15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद हुआ था राष्ट्रगान। आपको बता दें कि इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन को मुफ्ती ने दी थी धमकी, जिसके बाद चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगे और राष्ट्रगान के विरोध पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ था,